देवास की कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने संस्था राम राम से जुड़े युवक की बीच चौराहे पर गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया था। दरअसल 3 जुलाई को देवास की कोतवाली थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में संस्था राम राम से जुड़े कुणाल बैरागी उर्फ चीकू की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए थे। गंभीर रूप से घायल कुणाल के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दिन दहाड़ी हुई युवक की हत्या को लेकर संस्था राम राम के सदस्यों ने न सिर्फ चक्का जाम किया, बल्कि आरोपी अम्बरीश प्रसाद के घर पर हमला कर जमकर तोड़फोड़ की गई, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर संस्था राम राम के शैलेंद्र सिंह पवार और रोहित सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया है। कुणाल बैरागी उर्फ चीकू नामक व्यक्ति की 3 तारीख को गोली मारने से हत्या हुई थी। इस मामले में थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 4 आरोपी नामजद अमरेश और उसके 3 अन्य साथी बताए गए थे। मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू किया तो इसमें पाया कि जो इसमें मृतक का पक्ष है, 6-7 लोग ये जेल में गए थे और जेल में राहुल पवार नाम के एक अन्य बदमाश जो कि जेल में भी बंद हुआ है, उससे उनकी हार्ट अटैक हुई और धमकी वगैरह उन्होंने दिया। वहाँ से लौट के आए तो राहुल पवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो अमरेश प्रसाद है, उसको उन्होंने घेर के वहाँ पे उसके साथ बहसबाजी इनकी हुई और एक दूसरे को धमकाना वगैरह हुआ। उसी दौरान अमरेश ने अपने पास पिस्टल रखा हुआ था, उसने फायरिंग कर दी, जिससे कुणाल बैरागी उर्फ चीकू की डेथ हो गई। उस घटना के बाद जो कुणाल बैरागी के साथी इत्यादि थे, ये लोग अमरेश के घर गए और वहाँ पे तोड़फोड़ भयंकर उन्होंने किया और अमरेश की पत्नी ने बताया कि उसके ऊपर फायरिंग भी की गई है, जिससे बाल बाल वो बची है, गोली उसके बगल से निकल गई। अमरेश की पत्नी की शिकायत पे धारा जो 109 है हत्या का प्रयास और बाकी अन्य तोड़फोड़ की जो धारा है उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। और इस मामले में जो मुख्य सरगना है थाना सिविल लाइन का लिस्टेड गुंडा शैलेंद्र पवार को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ अन्य उसके 4 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अमरेश जो हत्या का मुख्य आरोपी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें आगे अभी जांच की जा रही है, बाकी कार्रवाई जांच में जो भी तथ्य आएंगे सबसे की जाएगी। सर, पिछले 24 से 48 घंटे लगातार पुलिस काम में लगी रही, गुंडा अभियान विवाद बनाने को लगी रही, क्या कहेंगे टीम को लेकर? टीम ने काफ़ी ही मेहनत किया घटना के बाद से। जो दिशेश अग्रवाल अपने CSP हैं, लगभग 3 दिन से बिना सोए हुए लगातार लगे हुए हैं, एडिशनल साहब लगे हुए हैं, इनकी टीम पूरी लगी हुई है, तो सभी लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत किया और ख़ासतौर पे जो ऐसे लोग शैलेंद्र ने अपना ऐसा छवि बना रखा था, लोग उसकी शिकायत करने से डरते थे, ऐसे बदमाश को भी सबूत के साथ रंगे हाथ पकड़ा है, जिसके लिए टीम काबिले तारीफ है और इनको इनाम भी दिया जाएगा। गोलीकुंड के आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया? जो अमरेश है उसको लोहारी नामक गांव से गिरफ्तार किया गया, जहां भागने में उसके पैर में चोट भी लगी है। सर, गोलीकांड में कुल कितने आरोपी हैं और जो एक अन्य जो कांड हुआ उसमें कुल कितने? गोली में 4 आरोपी नामजद थे, जिसमें से एक का मौके उपस्थिति पाई गई है, 2 अन्य का भागने में सहयोग पाया गया है, बाकी 1 आरोपी की भूमिका के संबंध में और जाँच की जा रही है और इसमें भागने में सहयोग या अन्य मदद में और भी आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। दूसरा जो हत्या के प्रयास वाला मामला है, इसमें 8 नामजद आरोपी और 2 अन्य हैं, जिसमें से अभी 5 की गिरफ्तारी की गई है, बाकी अन्य की तलाश की जा रही है। अभी इस मामले में कुल 3 हथियार जब्त हुए गए हैं, 4th हथियार भी पुलिस अभी जब्त करने जा रही है। धन्यवाद।